हाय गाइस, कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो मैंने अभी जस्ट देख के खत्म किया रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस, जिसे हॉटस्टार स्पेशल पे रिलीज किया गया है आज के दिन। सॉरी, अभी जो है वो तो रात है फिलहाल। तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस जो वेब सीरीज है इससे मुझे क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और आप इसे क्या देखना पसंद करेंगे, क्या इसमें आप टाइम इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी डिटेल पे हम बात करने वाले हैं इस वेब सीरीज पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें हमारी जो रुद्रा सर हैं यानी अजय देवगन सर, और जो इस मूवी का नाम भी रखा गया है ना रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस, वो इसको पूरी तरह से शूट करती है। ऑलमोस्ट 6 एपिसोड हैं इसमें, और 6 एपिसोड में सभी की लेंथ जो उसकी ड्यूरेशन है वो 50+ है। एक ही एक एपिसोड है जिससे शायद 45 मिनट्स की लाइव में है। तो हम लोग बात करने वाले इसे जिसमें साढ़े कम अगर काउंट करो मिनट्स के रूप में तो 5.5 घंटे की ये वेब सीरीज होने वाली है। तो आप इस पर क्या देखना पसंद करेंगे कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्लॉटिंग बहुत ही अच्छी है, विजुअलाइज काफ़ी अच्छी की गई है इसमें, क्योंकि किसी भी क्राइम थ्रिलर जो सस्पेंस मूवी होती है ना उसमें जो डार्कनेस और उसमें कलर ग्रेडिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो इस मूवी को हाईलाइट है। आप लोग मतलब इसमें जो डेब्यू कर रहे हैं सर वो तो बात की बात है, उसके बाद में जो इसमें बजट जो इसमें मतलब यूज किया गया वो इसमें पूरी तरह से स्क्रीन पर दिखाई देता है। बाकी बात करें इसकी प्लॉटिंग के, तो जब से फिल्म स्टार्ट होती है फर्स्ट फेज से ही, फर्स्ट एपिसोड से ही, फर्स्ट सीन से ही कहूँगा मैं, क्राइम चालू हुए नजर आ जाता है, जिसमें ही फर्स्ट सीन पे हमें नजर आ जाते हैं हमारे रुद्रा सर यानी कि अजय देवगन सर, जो अपने किलिंग लुक के साथ में जो डेडली जो है अपने डीलिंग को नजर करते आते हुए हैं। और इस सीरीज में भी रुद्रा सर यानी अजय देवगन को ऐसा बताया गया है कि वो जो क्राइम और जो उनका जो तरीका है वो हटके तरीका है, वो किसी और की नहीं सुनते। बात करें अगर वेब सीरीज की प्लॉट की, तो जैसे ही आप लोग पता है ये एक डार्कनेस होने वाली है थ्रिलर, और जो क्राइम सस्पेक्ट जो होने वाला है इस मूवी पे उस पर, तो होता है यहाँ पर एक डबल मर्डर जो केस हो जाता है, उसके लिए डीसीपी यानी रुद्रा सर को अपॉइंट किया जाता है। तो इस केस को सॉल्व करते हुए उसमें ये कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इन्वॉल्व होते हुए एक मुकाम ऐसा आता है जहाँ पर पूरे सस्पेक्ट और पूरे जो घूम फिर के सारी कुछ भी हैं वो अपोजिट आ जाते हैं हमारे अजय देवगन सर के पास। उसके बाद इससे वे डिफाइन करते हुए कैसे इस स्टोरी को यानी इस केस को सॉल्व करते हैं, और इनके अराउंड में उनकी जो फैमिलीज की प्रॉब्लम चल रही है इससे भी जस्टिफाई करते हुए जो इनकी क्लाइमेक्स है वो काफ़ी अच्छी की गई है। तो आप बेखूबी जाके इसकी जो वेब सीरीज है उसे आप देख सकते हैं। मुझे बस इससे यही है, जो वेब सीरीज है ना थोड़ी सी लेंदी लगती है मुझे इसकी, जो मतलब कि जो एपिसोड है वो 6 तो ठीक है, पर इसकी जो लेंथ है उससे थोड़ी सी ट्रिम किया जा सकता था, मुझे इसमें यही नेगेटिव लगती है। बाकी इसकी विजुअलाइज काफ़ी अच्छी है, डायलॉग्स काफ़ी अच्छे हैं, उसके बाद आप इस टाइप की मूवी पसंद करते हो तो आप बिल्कुल जाके इसे देख सकते हैं। मूवीज अपडेट्स और मूवी के रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहेगा दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।